गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू गंगोत्री। सो अभी हम भैरवघाटी पुल, जो लंका पुल है, उसको क्रॉस कर दिया है। अभी गंगोत्री यहाँ से आधा घंटा या फिर एक घंटा लग सकता है, यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। सो काफ़ी आज सुबह हम थोड़ी से निकले थे 8:30 बजे, सो काफ़ी इंजॉय किया शायद। अभी तो हम गाड़ी में हैं, आज शाम का जो हमारा स्टे होगा वो होगा गंगोत्री में। उसके बाद हम अपना ट्रैक, जो हमारा ट्रैक होगा तपोवन के लिए, ये प्राचीन भैरव मंदिर भैरवघाटी। अभी हम भैरवघाटी में पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और हमारे साथ में है भाई, ये है हमारे भाई अनुज और ये लक्की भाई हैं। अच्छा लग रहा है, अर्ली मॉर्निंग आज उठे हैं और अच्छा मौसम भी आज अच्छा है। बारिश की तो आसार नहीं है, बट आज धूप भी कम है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडी है। यहाँ पर गंगोत्री में अभी तो बर्फ़ तो नहीं है, बट मौसम काफ़ी सुहावना है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस गंगोत्री में। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से। अभी हम लोग तपोवन के लिए पोर्टल ढूंढ रहे हैं, जो कि लॉकडाउन में मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखते हैं, बात कर रहे हैं लड़के से, देखते हैं मानता है नहीं मानता है। ये हमारे स्टाफ बात कर रहे थे, वी आर मेकिंग अ परमिशन टू गो तपोवन ट्रैक। KV is laughing. So finally हम ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम 2 या 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट रेस्ट है। हमारी फ्रेंड के भी अभी आगे जा रही है, थोड़ा रेस्ट।
काफी सुंदर दिख रहा है, पूरा ग्रीन हो रहा है। लास्ट में थोड़ा सा भागीरथी दिख रहा है। Finally, we are taking our third rest. मजा आ गया, मजा काफी टाइम बाद आने को मिला, बस आहा बड़े ब्यूटी। फाइनली हम लोग चीरवासा पहुंच चुके हैं, काफ़ी अच्छा रास्ता है और इस लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम बाद आने को मिला, काफ़ी सुंदर लग रहा है और काफ़ी साफ भी लग रहा है, ट्रैक मज़ा आ रहा है। तो ये वाला ये चढ़ाई बहुत टफ लगती है मुझे यार, बहुत ज़्यादा। लोगों को तो नॉर्मल लगती है ये चढ़ाई, उसको मैं भी चढ़ रहा, कुछ नहीं 30 डिग्री बैठ मुझे बहुत हेवी लगती है। अभी सुना सुना लग रहा है चीड़ा, नहीं तो यहाँ पे काफी सारे लोग देखने को मिलते, यहाँ पे होटल खुला होता है तो सब कोई है ही नहीं, सफाई भी बहुत दिखने को मिल रही है। थोड़ा थक भी गए हम लोग, कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, अभी रेस्ट कुछ खास रेस्ट नहीं लिया है, हाई एल्टी पे थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, आवाज निकल नहीं रही है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट फिर भी हम आपको यहाँ का सुंदर व्यू दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे तपोवन तक। प्लीज वीडियो को पूरी देखना और एंजॉय कीजिए। प्लास्टिक के रास्ते में उसको पूरा ले जाएंगे।